हेलो नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पर जानकारी देनी मेरी हॉबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ होंडा ग्रेजिया। ये काफ़ी 125 cc का स्कूटर है, या फिर स्कूटी कह सकते हो। डिस्क मिल जाते हैं हमें इसमें, और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं। इतने कम प्राइस रेंज के अंदर हमें काफ़ी अच्छा ये मॉडल मिल जाता है। इसमें एक अच्छी खास बात है कि ये ना हमें एक स्पोर्ट्स लुक प्रोवाइड कर देता है। तो मैं आपको एक एक करके इसका फुल रिव्यू दिखाऊंगा। जो लोग इसको लेना चाहते हैं वो लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नीचे आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो लोग वीडियो पे नए आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाती है, आप लोग समझ सकते हो। तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हो। देख सकते हो आप लोग, इसमें हमें किक मिल जाती है, किक के साथ साथ हमें सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाता है। तो 125 cc का ये, और अगर हम इसके माइलेज की बात करें, ये देख सकते हो ग्रेजिया की ब्रांडिंग की गई है। और यहाँ पर अगर हम इसके माइलेज की बात करें तो माइलेज हमें मिल जाता है, मतलब 54 से लेके 55 तक का माइलेज मिल जाता है। तो ये देख सकते हो पीछे से लुक, और यहाँ पे पीछे हमें फ्यूल टैंक मिल जाता है। पीछे हमें दो लाइटें मिल जाती हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, दोनों देख सकते हो इस साइड से। तो और आगे डिस्क मिल जाते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि हमें कंट्रोल करने में कोई परेशानी वगैरह नहीं होती है। अगर मैक्सिमम पावर की बात करें तो इसमें मैक्सिमम पावर मिल जाती है 8.0 BHP, मतलब 8 BHP मिल जाती है 6000 RPM के साथ। और मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है 10.30 RPM, 10.30 Nm विद 5000 RPM के साथ। और ये स्पीडोमीटर देख सकते हो आप, ये पूरा चेंज है, एकदम डिजिटली स्पीडोमीटर इन्होंने प्रोवाइड किया है। जैसा आजकल एक्टिवा और जुपिटर और भी नई नई जो स्कूटर या स्कूटी आ रही हैं उनमें डिजिटली मीटर आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम इसके प्राइस रेंज की बात करें तो ये हमें 1 लाख से ऊपर तक का वेरिएंट पड़ जाता है, और अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग चार्जेस इसके पड़ जाते हैं, लॉजिस्टिक चार्जेस के हिसाब से। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहीं से हमें चाबी के साथ ही हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सीट बेल्ट डिग्गी खोलने के। और यहाँ पे सीट बेल्ट, मैं गाड़ियों की वीडियो ज़्यादा डालता हूँ तो इस करके मुझे सीट बेल्ट याद रही थी, तो आप लोग इसमें घबराएं नहीं। तो मैं आपको एक बार ये इंडिकेटर जला के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग। तो ये काफ़ी अच्छे इंडिकेटर और बड़े बड़े इन्होंने प्रोवाइड किए गए हैं, मैं आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ सिलेंडर गाड़ी में 2 प्रोवाइड किए गए हैं, और ये इसमें सेल्फ और किक दोनों चीज़ हमें मिल जाती हैं। और ये मैं आपको एक बार, ये ना यहाँ से सीट खुल जाती है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक बार भाई को बोलूँगा, भाई एक बार सीट खोल के दिखाएँ, ये देख सकते हो सीट खोल के दिखा रही है, स्पेस काफ़ी मिल जाती है हमें। और इतने स्पेस में आप अपना सामान वगैरह, बैग वैग या फिर पानी की बोतल वगैरह जो भी आसानी से रख सकते हो। अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक इसमें पीछे दिया गया है जो कि 5.3 लीटर का है। तो मैं आपको वो भी खोल के दिखाने की कोशिश करूँगा, भाई को बोलूँगा भाई एक बार हमें फ्यूल टैंक खोल के दिखाएं, ये देख सकते हो। तो इसमें मैं ना फ्यूल डलाते टाइम कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि ये पीछे ही है। जैसे कई पहले आता था ना स्कूटी में कि हम मतलब पेट्रोल पंप पे गए, फिर हमने अपने डिग्गी खोल दी, फिर सारा सामान फैल जाता था, तो ऐसा नहीं करना है। तो हमें बस एक बटन दबाना है, पीछे से खुल जाएगा और पीछे से ही फ्यूल डल जाएगा, जैसे गाड़ियों वगैरह में डलता है। तो ये चीज़ आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आई है, सब में आई है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो हमें बस फ्यूल डला के और अपना सीधे निकलना होता है, वरना कई सारे काम और हो जाते थे। तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम क्लच की बात करें तो क्लच इसमें वी मैटिक क्लच मिल जाती है, और ये देखो ये ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है यहाँ पे, और ये अपना चार्जर वगैरह USB एक पॉइंट मिल जाता है, और आप अपना यहाँ पे चार्जर फ़ोन वगैरह भी रख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है हमें इसमें। अगर हम इसके फ्रंट ब्रेक की बात करें तो हमें डिस्क मिल जाते हैं और रेयर वाले ड्रम मिल जाते हैं, और यहीं पे मतलब लाइट का अप एंड डाउन और पास वास का सारा सिस्टम हमें यहीं पे मिल जाता है, मतलब। और ये दो मिरर मिल जाते हैं, और इसके साथ एक और चीज़ मिल जाती है जो अगर हम स्कूटर लेते हैं तो हमें एक ना गिफ्ट के तौर पे मान लो, या कुछ भी मान लो, एक हमें वो मिल जाता है, मतलब हेलमेट मिल जाता है, जो कि हर किसी को लगा के चलना चाहिए बाइक पर, स्कूटी पर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख सकते हो, ये ना ये वो है कि लॉक लगा देते ना, जैसे मतलब ये ब्रेक लग जाता है तो ये लॉक लग जाता है, तो स्कूटी कभी भी खड़ी कर दो तो आपको दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। तो ये देख सकते हो, ये मिल जाता है हमें होंडा की तरफ से इसके साथ ही। तो ये एक तरीके से छोटा सा गिफ्ट समझ लो स्कूटर के साथ या फिर स्कूटी के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जैसे ही मैं वीडियो डालूँ, वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उसी टाइम उसको देख लो।
तो जिन लोगों को टैग वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए वो मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आई एम बॉबी टैग 222, जिसमें मैं लगातार फ़ोन वगैरह की वीडियो अनबॉक्सिंग और टैग से रिलेटेड जानकारी डालता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, धन्यवाद।